नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और मैं मौजूद हूं लखनऊ में। राजनाथ जी, आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लखनऊ में हैं, कहते हैं कि लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है। लखनऊ की अदब तहजीब और नज़ाकत बहुत मायने रखती है, लेकिन जब राजनाथ सिंह लखनऊ आते हैं तो क्या उनको अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है, क्योंकि ये क्षेत्र उन्हीं का रहा? स्वाभाविक है, लंबे समय तक अटल जी यहाँ से बराबर सांसद चुने जाते रहे हैं और यहाँ की जनता बेहद प्यार करती रही है अटल जी को, और मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि अटल जी का स्नेह भी मुझे भी प्राप्त रहा है। और यहाँ की तहजीब, यहाँ की नफासत, यहाँ की नज़ाकत के तो सभी कायल रहते हैं, केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग नहीं। मैंने देखा है कि कभी कभी साउथ इंडिया में भी जब मैं गया हूँ तो जो नहीं बोल सकते हैं हिंदी, वो नफासत, नज़ाकत, तहजीब, ये तीन शब्दों का वो भी एक दो लोगों ने मुझसे प्रयोग किया था। क्योंकि आपने दक्षिण भारत का जिक्र किया, तो देश के एक बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो दक्षिण भारत गए तो उन्होंने बोला कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनकी सोच जो है वो सतही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का आरोप लगाने वालों को एक बार पुनः अपने बारे में सोचना चाहिए, मतलब किस मानसिक धरातल पर खड़े होकर वो बोल रहे हैं, ये बात हमारी समझ से परे है। उनका कहना है केरल के लोग डीप थॉट करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, गहराइयों में सोचते हैं। मैंने डीप थॉट करने वाले हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी बैठे हैं, लद्दाख में भी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदुस्तान के साउथ, मैंने हिंदुस्तान के हर राज्य में बैठे हैं। ऐसा नहीं डीप थॉट के लोग केवल एक ही जगह केंद्रित हैं। ये मानसिकता क्यों आई? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी कहती है वो चुनाव हार गई, ऐसा है कि बराबर कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, उन्होंने केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है। मेरा यह मानना है कि राजनीति केवल वोट के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए, और बराबर हर नेता के अंदर यह सोच बनी रहनी चाहिए यदि वह राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है तो। जी, क्योंकि अब चुनाव है, आप उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, कल ही आपने लगभग 6 से 7 सभाएं करी, छह चुनावी सभाएं करी, तो हवा किसकी दिख रही है? अरे साफ है, हवा का रुख साफ है। अरे हवा का रुख ऐसा है कि एकदम बिल्कुल इतनी तेज है हवा कि किसी को संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अखिलेश कह रहे बीजेपी साफ है, इस बार योगी नहीं आ पाएंगे, बीजेपी नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल हो रही है और योगी जी की लोकप्रियता बड़ी है। अब मोदी जी की तो लोकप्रियता जिस प्रकार की है वो तो अनपैरेलल है सारे देश भर में। क्या आपको लगता है कि 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन फोकस पूरा का पूरा जो है वो उत्तर प्रदेश पर है? नहीं नहीं नहीं, सभी राज्यों में हम लोगों का जाना हो रहा है। मतलब जितना ध्यान उत्तर प्रदेश पर दे रहे हैं हम लोग, वैसे ही सभी राज्यों में दिया। अब जैसे जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, सभी राज्यों में कहीं 1 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं 3 दिन, मैं स्वयं, हमारी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं, मैं वहां होकर आया हूं उत्तर प्रदेश। लेकिन विरोधी आरोप ये लगाते हैं कि आप लोगों ने वादे पूरे नहीं करे, अब किस मुंह से जा रहे हैं अब चुनाव के अंदर? मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आरोप लगाने के पहले 4 बार उन्हें सोचना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं 2014 यानी 2014 2019 के भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को निकाल कर देखें और 2017 के भी, उत्तर प्रदेश के भी इलेक्शन मैनिफेस्टो को निकाल कर देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं शायद कोई चीज शेष बची हो। मैं जो कहा था हम लोगों ने वो सब कुछ पूरा किया है। हम भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, मतलब विश्वास का संकट किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे, बल्कि विश्वास का संकट जो हमारे विरोधी राजनीतिक दलों ने पैदा किया है इस देश में, कांग्रेस सहित, सपा बसपा सहित, उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। एक काउंटर क्वेश्चन ये बनता है कि हमने हर चुनाव के अंदर एक माहौल देखते हैं कि किसी के पक्ष में माहौल बन जाता है और सरकार वो चलाता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पीपल हो जाता है, यानी लोगों के भीतर हो सकता है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में भी आपकी सरकार थी, गोवा में भी आपकी सरकार है,
अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो क्या आपको लगता नहीं है, मणिपुर में भी आपकी सरकार है, क्या आपको लगता नहीं है कि उसका एक डिसएडवांटेज है बड़ा? 2014 में मोदी जी की सरकार थी, 2019 में चुनाव हुआ, पर वो तो नरेंद्र मोदी, नहीं सुनिए, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी थी। तो उत्तर प्रदेश की भी यही हालत है, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी। फिर अखिलेश यादव को क्यों लग रहा है कि इस बार बीजेपी के बूथों पर जो चुनावी बूथ होते हैं उसमें भूत नाचेंगे, उन्होंने ये बयान दिया? नहीं, वो तो सबको लग रहा है, वो तो कांग्रेस के लोगों को भी लग रहा है, उनकी वो जीतेंगे, उनको बहुजन समाज पार्टी को लग रहा है कि वो जीतेंगे, क्या करें उसके लिए, उन्हें तो भूत दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के बूथ पर भूत भूत होगा, भूत भूत पर भूत। हाँ, पता नहीं हमारी समझ के परे है कहां भूत आ गया उत्तर प्रदेश में। जी नहीं, उनका ये कह रहा था, मैं बढ़ता हूँ आगे। अखिलेश यादव ने एक मुझे इंटरव्यू दिया, जब मैंने उनसे पूछा कि अखिलेश जी कितनी सीटें आ रही है, उन्होंने बोला 403 में से 400 हमारी आ रही है। अभी आकर कल्पना कर सकते हैं कि लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पर सपने में तो उन्हें भगवान कृष्ण आए, उन्होंने बोला उनकी सरकार बनेगी। नहीं, जो चुनाव होता है, जब व्यक्ति संकट में रहता है तो बहुत सारे लोग सपने में आते हैं, लेकिन जो सपने में आते हैं वो उबार नहीं पाते संकट से, इस सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, इस समय हम लखनऊ के अंदर हैं, ऐसा माना जाता है कि पहले के दो राउंड खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान एक फैक्टर था, क्योंकि आप देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे अटल जी की रिजीम के अंदर, और किसानों के साथ आपका नाता है, क्या आपको लगता है किसान आंदोलन का नुकसान हुआ है?